तो और हमारे जो नए एडमिनिस्ट्रेटर है वो चीज़ों को समझ नहीं पाए, एक महीना ही हुआ उनको आए हुए, तो उन चीज़ों को अच्छी से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो मैं अभी 7 बजे आया तो मैंने आकर के पूरा मैटर को देख लिया है और चीज़ को सेटल कर दिया है। पेशेंट को जो पूरी फैसिलिटी थी मैं जो पूरा ट्रीटमेंट करना है हम लोग करके दे रहे हैं। तो जो उसे हाँ वो सब उनको रिफंड हो जाएगा, कंक्लूजन के तहत हुआ जो भी हुआ ये सारी चीज़ें तो वो, लेकिन उनको रिफंड हो जाएगा। एक्चुअली में क्या है कि देखिए मेरी अवेलेबिलिटी नहीं थी, डॉक्टर केशरानी वो भी बाहर गए हुए थे, जो डायरेक्टर हैं जो हमारे नए एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो चीज़ अभी जो वो बाहर से आए उड़ीसा से आए तो उनको बहुत सारे नियम कानून का आइडिया नहीं, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया। ईएसआई तो एक आपका योजना है, इसकी जानकारी नहीं है तो फिर नहीं, इस तरह लापरवाही करने वाले पे किस तरह से कार्रवाई नहीं, लापरवाही की बात नहीं, बात ये है कि अगर इस दौरान मरीज को कुछ हो जाता, मरीज का ट्रीटमेंट देखिए अभी भी ट्रीटमेंट रोका गया था, मरीजों परिजनों का कहना है कि उनको वापस ले जाना था, पैसा मांग रहे हैं वापस नहीं दिए गए, बंधक बना के रखे, ट्रीटमेंट नहीं रुका गया, अभी भी आईसीयू में पेशेंट है, तुरंत उसको इनफैक्ट बिना एडमिशन करवाए कैजुअलिटी में जैसे ही पेशेंट को देखा क्रिटिकल है, ना कोई एडमिशन करवाए, ना कोई कैश जमा करवाए, ना पूछे ईएसआईसी नॉन ईएसआईसी सीधा आईसीयू में ले गए। 4,500 के बिल उनके हाथ में उन्होंने जमा किया, पहले ट्रीटमेंट किया, देखिए पहले ट्रीटमेंट किया उसके बाद जो वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वो कंफ्यूजन हो गया। कैसा कंफ्यूजन है, डॉक्टर यहाँ पे है, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन आपने वहाँ पे मेंशन कर दिया है, उसके बावजूद देखिए कई बार नहीं लापरवाही नहीं, देखिए मेनली तो पेशेंट जरूरी है, पेशेंट का ट्रीटमेंट जरूरी है, वो हम पूरी तरीके से करें। एक सेकंड भी पेशेंट के जो ट्रीटमेंट आप अच्छा आईसीयू में पेशेंट उसको जाकर के देख सकते हैं, एडमिशन देख सकते, कहीं कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन रिगार्डिंग दिस मैनेजमेंट कभी कई बार थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, क्योंकि रेगुलर पेशेंट क्या आप मानते हैं कि हॉस्पिटल से गलती हुई है, ये ईएसआई के ईएसआईसी के सर्विसेज जो हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसको समझने में कन्फ्यूजन हो गया, उसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन ट्रीटमेंट में कहीं कोई कोताही नहीं है, कुछ भी नहीं, ट्रीटमेंट प्रॉपर चल रहा है पेशेंट का, वो जो मैटर उसको मैं सेटल कर ही दिया हूँ, बता दिया हूँ, वो सेटल हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ा मैटर तो है नहीं भाई। फैमिली सेटल का मतलब सेटल भाई, ईएसआईसी है नॉन ईएसआईसी है, तो ईएसआईसी में अगर ट्रीटमेंट अगर उसका पूरा कवरेज है तो ईएसआईसी में ट्रीटमेंट हो जाए। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उसे 4,000 रुपये लिएगा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो ईएसआईसी है कि नॉन ईएसआईसी, तो अपन बाद में भी देख सकते, इंपॉर्टेंट ये है कि उसका ट्रीटमेंट किसी भी वक्त में ट्रीटमेंट कोई कमी हुई थी पेशेंट की कंडीशन कैसे, तो ट्रीटमेंट जैसे ही पेशेंट आया है तुरंत उसका ट्रीटमेंट हुआ है, कैजुअलिटी में देखा गया, कैजुअलिटी डॉक्टर को लगा कि पेशेंट की कंडीशन स्टेबल नहीं है, तुरंत आईसीयू में भेजा गया, कंडीशन स्टेबल है, ऑक्सीजन पे है पेशेंट, और जिस कंडीशन है तो उससे थोड़ी सी बेहतर स्थिति है, पूरी तरीके से रिकवर होने में टाइम लगेगा क्योंकि भर्ती करना है उसको, और ये सारी चीज़ें तो अगले दिन मैनेज हो जाती है, इसमें कोई इशू नहीं, कल रेफरल फॉर्म आएगा जो भी आएगा, वो सारी चीज़ें हम मैनेज कर दो। मरीज आईसीयू मतलब गंभीर स्थिति में, गंभीर स्थिति में अगर इस बीच कुछ हो जाता आपको जो कंफ्यूजन बता रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कंफ्यूजन पेशेंट के ट्रीटमेंट में नहीं है, कंफ्यूजन पेशेंट के ट्रीटमेंट में नहीं, पेशेंट का ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली चल रहा है, एक मिनट भी कैजुअलिटी से आईसीयू के बीच में एक मिनट भी पेशेंट विदाउट डॉक्टर नहीं रहा है, तो ट्रीटमेंट मेन चीज़ तो ट्रीटमेंट है ना, तो ट्रीटमेंट तो पेशेंट का परसिस्टेंट रहे, जो बाहर का जो व्यवस्था है, बाहर का जो मैनेजमेंट है, उसमें जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सेटल कर लेंगे हम लोग बैठ कर, उसमें क्या है। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू।